नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2803 प्राथमिक स्कूलों को बेंच डेस्क खरीद के लिए राशि को मिली मंजूरी। जनवरी खत्म होने तक सर्दी का सितम जारी। आज यूपी बिहार की लगभग 426 ट्रेनें रद्द। बिहार में बच्चों को मिलेगी 24 घंटे एक्सपर्ट टीचर की सुविधा। सरकार के आदेश के बाद गुस्से में आग बबूला हुए सरकारी शिक्षक। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 2803 प्राथमिक स्कूलों को बेंच डेस्क खरीद के लिए राशि को दी मंजूरी। साल 2021-22 में राज्य के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच और डेस्क की खरीद के लिए 99,75,00,000 की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा कैबिनेट द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विद्यालय के कक्षा आरंभ करने से पहले दो मास्क जीविका द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की इस बैठक में स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को आगे भी मास्क दिए जाने की बात कही गई है। बिहार में बच्चों को मिलेगी 24 घंटे एक्सपर्ट टीचर की सुविधा। कोविड-19 के माहौल में सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था बिहार की ही प्रभावित हुई है। हालांकि छात्रों की पढ़ाई पर और ज्यादा प्रभाव ना पड़े इसको लेकर ही बिहार में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए 24 घंटे एक्सपर्ट टीचर की सुविधा रहेगी। इसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दी है। उन्होंने बताया है कि बच्चों को यह सुविधा फिलो ऐप के जरिए दी जाएगी। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच में करार किया गया है। हालांकि ध्यान रहे कि फिलो ऐप पे यह सुविधा एकदम मुफ्त दे रहा है। स्कूली बच्चों को ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा। जनवरी खत्म होने तक सर्दी का सितम जारी। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है लेकिन ठंड का सितम अभी भी लगातार जारी है। हालांकि जहां तक ठंड की बात है तो ठंड का कहर अभी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। सर्द पछुआ हवाओं की वजह से राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भीषण ठंड पड़ रही है और आज भी पटना समेत राज्य के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में आज सुबह एक बार फिर से कोहरे की मार देखने को मिली। सुबह के वक्त विजिबिलिटी लेवल काफी कम रहा। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के बीच कई जिलों में पारा 2 से 4 डिग्री तक नीचे भी जा सकता है। पछुआ हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शारदा सिन्हा की अपील के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने जारी कर दी राशि। बीते दिन बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा ने रिटायरमेंट के बाद से ही पेंशन की राशि नहीं मिलने की बात कही थी, जिसके बाद तुरंत ही शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के लिए वेतन और पेंशन की मद में 401 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 13 विश्वविद्यालयों के पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ वेतन की राशि कई महीनों से बकाया थी। पटना विश्वविद्यालय के लिए 15,64,23,971 रूपये, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के लिए 36,98,85,594 रुपए, वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय के लिए 17,64,85,991 रुपए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के लिए 45,06,73,359 रुपए, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के लिए 8,21,86,567 रुपए, तिलकामांझी विश्वविद्यालय के लिए 20,26,11,806 रुपए, वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए 157,35,72,592 रुपए जारी किए गए हैं। जाली नोट के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार में इन दिनों जाली नोट रखने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में जाली नोट के साथ पकड़े गए तस्करों के बाद बीते दिन एक बार फिर से जाली नोट वाले तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन मुजफ्फरपुर में जाली नोट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया जो नेपाल के रास्ते भारत में लाई जा रही थी। जानकारी तो यही मिली है कि बाइक से दोनों तस्कर नेपाल जाने के फिराक में थे। डीआरआई टीम को इसकी सूचना मिली और तुरंत ही मोतिहारी पुलिस से संपर्क कर दोनों को धर दबोचा। आपको बता दें टीम ने इन्हें मोतिहारी में ही धर दबोचा था। आज यूपी बिहार की लगभग 426 ट्रेनें रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार और उत्तर प्रदेश में इन दिनों ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड के कारण ही कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे की तरफ से बीते दिन यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय जारी किया गया है। कोहरे की वजह से भारतीय रेलवे पिछले कई दिनों से ट्रेनों को रद्द कर रही है। आज भी रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया है। बता दें कि रेलवे ने बिहार उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की करीब 426 ट्रेनों को रद्द किया है। साथ ही 3 ट्रेनों को रीशेड्यूल कर करीब 6 ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया है। इसलिए आप भी सफर करने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक जरूर कर ले। इसके लिए आप वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in/mntes या NTES ऐप की मदद से ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी मदद से आप घर बैठे बैठे अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सरकार के आदेश के बाद गुस्से में आग बबूला हुए सरकारी शिक्षक। बिहार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस कर्मियों को तो काम में लगाकर रखी हुई नजर आ ही रही थी। अब बिहार सरकार ने शिक्षकों को भी इस काम में लगाने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा सेवक और तालीमी
मरकज के सेवकों को भी शराब ढूंढने के काम में लगाने का आदेश जारी कर दिया गया था, जिसका अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बिहार में शराबबंदी की जिम्मेदारी शिक्षकों को मिलने पर शिक्षक संघ ने रोष जताया है। बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने सरकार से गैर शैक्षणिक कार्यों से टीचर को मुक्त करने की मांग की है। इसके विरोध में प्रदेश भर में शिक्षक सड़क पर उतरकर विरोध करते हुए भी नजर आ सकते हैं। आदेश में आक्रोशित शिक्षकों ने राज्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। शिक्षक संगठन का कहना है कि कभी खुले में शौच रोकने के लिए आदेश दिया जाता है तो कभी शराबियों को पकड़ने के लिए आदेश दिया जाता है। पटना में उड़ान भरेगी टाटा की 6 फ्लाइट। एयर इंडिया अधिग्रहण के बाद विस्तारा समेत टाटा की 6 फ्लाइट की सुविधा पटना वासियों को भी मिलने वाली है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी केवल टाटा की विस्तारा की पटना दिल्ली के बीच में एक फ्लाइट चलती है, जबकि एयर इंडिया की 5 फ्लाइटें हैं। इनमें 2 दिल्ली के लिए जबकि एक एक मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए है। आपको बता दें कि ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली एयर इंडिया की सिस्टर कंपनी से भी अब टाटा की 50% की भागीदारी हो चुकी है। इसी के साथ इस कंपनी का कामकाज भी अब पूरी तरह टाटा के नियंत्रण में आ जाएगा। इस प्रकार देश के अन्य एयरपोर्ट की तरह ही पटना एयरपोर्ट के ग्राउंड हैंडलिंग में भी टाटा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हाईकोर्ट ने की बिहार के NH निर्माण कार्य पर समीक्षा। बिहार में बन रहे नेशनल हाईवे को लेकर बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की, साथ ही निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर ऑनलाइन सुनवाई करते हुए इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बन रहे विभिन्न नेशनल हाईवे की प्रगति पर NH 31 समेत अन्य नेशनल हाईवे की समीक्षा की। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि किशनगंज में दूसरा फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा हो गया है और आगामी 30 अप्रैल तक इसे चालू किए जाने की संभावना है। इस मामले में राज्य के तत्कालीन विकास आयुक्त आमिर सुबहानी की भूमिका की सराहना करते हुए कोर्ट ने रिट याचिका को निष्पादित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी को इस मामले में 10 मई 2022 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। शराब पीने के बाद जान गंवाने वालों को भी मिले मुआवजा। बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण जान गंवाने वालों का मामला आए दिन मीडिया में चल रही खबरों में देखने को मिल ही जाता है। इतना ही नहीं, सरकार के बार बार समझाने के बावजूद भी बार बार जहरीली शराब पीने वालों का मामला सामने आता ही रहता है। इसी बीच अब जा प्रमुख पप्पू यादव ने जहरीली शराब के कारण जान गंवाने वालों को लेकर बड़ी मांग की है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य आपदाओं में मारे गए लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है, उसी तरह शराब मामले में भी मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब से हुई मौत मामले में भी 4 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि गरीबों को जेल ना भेजकर बेचने वालों को पकड़ना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन शराबबंदी पर लोकगीत गाने वाली लोक गायिका से मिलने पहुंचे शहनवाज हुसैन। हाल ही में सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान के दौरान शराबबंदी पर अपने एक लोकगीत के कारण मशहूर हुई लोक गायिका इंदु देवी चर्चा का विषय बन गई हैं, लेकिन इंदु देवी शुक्रवार को समय बिल्कुल आवाक रह गई जब मुजफ्फरपुर के सकरी में उनके घर पर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन उनसे मिलने पहुंचे। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को अपने घर पर देखकर इंदु देवी के आंसू छलक पड़े और वो भावुक हो उठी। इंदु देवी ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मंत्री उनकी कुटिया पर आएंगे और एक बड़े भाई की तरह उनसे मिलकर उनके हाथ की बनी चाय भी पियेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को अपनी कुटिया में देखकर इंदु देवी तो भावुक हुई। इंदु देवी की गरीबी से सैयद शाहनवाज हुसैन भी भावुक दिखे। बेंगलुरु जा रही युवती के सैंडल से चिप और सिम बरामद। आज सुबह सुबह पटना के बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट में 18 वर्षीय एक युवती के सैंडल में मोबाइल की बैटरी से तार के जरिए जुड़ा हुआ चिप और सिम बरामद किया गया है। एयरपोर्ट थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि CISF ने सुरक्षा जांच के दौरान इसे पकड़कर हमारे हवाले किया है। ये लड़की पटना के सुल्तानगंज के पत्थर मस्जिद दरगाह रोड की निवासी है। इसके हैंडबैग की स्क्रीनिंग की गई तो उसमें से आवाज आने लगी थी। CISF के जवानों ने जब सुरक्षा जांच की तो उसके साथ रखे बैग में सैंडल पाया गया जिसमें चिप और सिम लगा हुआ था। हालांकि खबर लिखे जाने तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार यह GPS ट्रैकर है। फिलहाल इस युवती को पटना एयरपोर्ट थाना में रखकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। बिहार में फिर उठी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बीते कई दिनों से लगातार सुनने में आ रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से खास अपील की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि रघुराम राजन कमेटी और हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यह पर्याप्त प्रमाण भी है। नियमों में यदि कोई सुधार आवश्यक है तो बिहार और देश ने सरकार को अप्रतिम बहुमत दिए हैं। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने तो अपने ट्वीट में एक वीडियो को भी टैग किया है जिसमें नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का जिक्र है। देशभर में COVID-19 प्रभावितों की संख्या में आई थोड़ी गिरावट। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में COVID-19 के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि अब जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं वो 3 लाख से तो कम है, जिसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग भी थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए केस सामने आए हैं और 871 लोगों की जान चली गई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 13.39% हो गई है। ये बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 15,677 मामले
कमाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,04,333 हो गई है। बुमराह भारत की कप्तानी के लायक नहीं। विराट कोहली ने जब से टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, तब से ही टेस्ट कप्तान को लेकर के लगातार विचार विमर्श की स्थिति देखने को मिल रही है। बतौर टेस्ट कप्तान खिलाड़ियों के नाम भी अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें एक नाम जसप्रीत बुमराह का भी है। जसप्रीत बुमराह ने खुद भी टेस्ट टीम की कप्तानी करने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री के ख्याल इससे ठीक उलट है। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बुमराह के नाम से दिलचस्पी पूरी तरीके से नहीं दिखाई। शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल पर रवि शास्त्री ने कहा कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। भारत में एक तेज गेंदबाज के लिए कप्तानी करना मुश्किल होगा। एक तेज गेंदबाज कप्तान को हरफन मौला होना चाहिए या उसे बॉब विलिस की तरह का कप्तान होना चाहिए, जो जिन परिस्थितियों में खेलते हैं एक तेज गेंदबाज हमेशा खेल में रहे, वो आक्रामक होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है अमृता प्रीतम, नफीस आलम, उदय शंकर, अंशुमन पटेल, नीतू कुमारी, शंकर मुखिया, मनु कुमार, जीनत परवीन, विकास कुमार यादव, कविता कुमारी, निशा कुमारी, संदीप यादव, रोशन कुमार, सुमन कुमार मेहता। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सरकारी शिक्षकों को शराब ढूंढने के काम में लगाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।